આજ ઈ કરવી હોય એના કોઈ યુનિયન વગેરે નહીં કઈ નહીં ત્યાં પૈસા મળી મળે નો સાર લોકો મને યુનિયન કરાય આજ ઈ કે બોલા ચાલી રહ્યું હું તો કુછ તો મારે અનુભવ આવ્યો હતા તો અનુભવ લેવા કે લેવા થઈ ગયા મારા આપ લોકો દવાડા બોલાવો માન બોલાવો બટે મારી જાનકારી માં દાંગા આપને તમારે ક્રિટિકલ હા ને ઓરિજિનલ મજદૂરા મત આપણે વિદ્યાલય ને ગોદ લેવાનો મતલબ યો હોય ઘણી વિદ્યાલય ને જે ફ્રી યોજના ફાયદો હોય ચાહે પાલન આદિ યોજના હે પેન્શન સ્કીમ હે યા કોઈ બચ્ચા હે નિરાશી છે આરાશી છે એના બચ્ચાને બધું બીજી જગ્યા જોડના હે યા ગ્રોથ થી ડબલ રૂપિયા ફાયદો દેવાનો તમે તો ડાયરી ડાયરી મત કહેવો ઓર બી બહુ સારા ફાયદા હે કોઈ બચ્ચો હતો કે જેને ઘર નહીં હે મકાન નહીં હે તમને બચ્ચાના પરિવારને મકાન રૂપિયા દેવાના સરકાર હોય ને સરપંચ સાહેબ અમને લારે હે વકીલ સાહેબ અમને લારે હે મેરા નામ ચંદ્રપ્રકાશ મેઘવાલ હૈ મેં ભી જનતા એકતા ટ્રસ્ટ સે કાર્યકર્તા હું મેરા જો કાર્ય હૈ વો માવલી બ્લોક મેં રહેતા આપ સભી કો મેરા નમસ્તે ઓર મેરા નામ સોહન મેઘવાલ ઓર મેં માવલી ઓફિસ જનતા એકતા ટ્રસ્ટ મેં કાર્યકર્તા હું ઓર હું પે માવલી બ્લોક મેં નમસ્તે મેરા નામ હેમેન્દ્ર સાલવી હું મેં આપ ઉદ્યોગ જનતા એકતા ટ્રસ્ટ ફાર્મ ભરાવવાનો હોય તો મેડમ મને આજે અમારા મુખ્ય અતિથિ કરીને
सचिव कर सकता है, लेबर इंस्पेक्टर कर सकता है, और अगर वो रजिस्टर्ड ठेकेदार है तो सीधा रजिस्टर्ड ठेकेदार कर सकता है। अब हम जाके कहेंगे हमारी यूनियन सबसे बढ़िया काम करती है, हमारा कर दो और दूसरों का मत करो, तो ये तो कोई मानेगा नहीं, ठीक है। तो उनके लिए तो एक यूनियन है, एक ही यूनियन है ना। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब यहाँ पधार रहे हैं कि आपका मजदूर संघ का कार्यालय का एक शुभारंभ करने जा रहे हैं हम, इसीलिए आपको तकलीफ दिए। जुड़े हुए मजदूरों के जो आपके पास जितने भी लंबित फार्म हैं, आराधी की जरूरत गए हैं, स्कॉलरशिप के हो, शिक्षक की के हो, या किसी एक्सीडेंट वगैरह के हों, डेथ हेल्प के हों, उस तरह के फार्म का जितना जल्दी हो सके निस्तारण करवा के मजदूरों को फायदा दिलवाएं। जयपुर गए हुए थे तो वहाँ पे केस कला बोर्ड भी बना हुआ है इसी तरह से, उन लोगों की डिमांड थी कि मैं ब्यूरो कर दूँगा, अरे आपके उससे ना कोई लेना ना कोई देना, बस सबस्टेशन का भी काफ़ी बाल काटने वाले लोग हैं, उनको कैसे किया जाए। पर फिर भी मीटिंग में गुस्सा हो जाना पड़ा, उनकी मीटिंग में उनको संतुष्ट तो करोगे कैसे नहीं, में तो है
कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था भी कर सकते साथ भारत माता की जय मजदूर एकता जिंदाबाद आप सब एक है आप सब एक है ना योजना योजना यो नहीं मिले वो नहीं मिले लालच किस बस मिली मिले बस ये काम नहीं हीरो नहीं है हीरो नहीं से बता दिया एकदम लालच में साइड में मिलो गांव रे मेरे सड़क खराब है वंडे बारह विचार करो गांव रे मेरे पंजट नहीं वंडे बारह विचार करो गांव रे मेरे उनके जीवन स्तर को ऊंचा होता है। मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए तो मूल उद्देश्य ये है। अब उनका जीवन स्तर कैसा ऊंचा हो गया? मजदूरी से, मजदूरी का पैसा निकलवा लेते हैं, कई सरकारी योजनाओं का फायदा लेने से, तमाम योजनाओं से लाभ दिलवाकर, शिक्षा दिलवाकर, स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाकर, अच्छी रोजगार की व्यवस्था करवाकर, उनको काम नए तरीके का काम सिखाकर, जैसे भी प्रकार से हो मजदूरों का जीवन स्तर ऊंचा हो, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे आज मजदूर है और मालिक बने। हम सबका उद्देश्य ये है, हम इसलिए यहाँ इकट्ठा होते हैं कि अपने संगठन बनाए हुए स्वतंत्र का एक ही उद्देश्य है, मजदूरों के जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, कैसे बेहतर हो, आज मजदूर का मालिक कैसे बने, मजदूर से मालिक की ओर अग्रसर होना ही हमारा उद्देश्य है। हमारे मजदूरों का नेटवर्क भी तो छोटा था, यूनियन का जो मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। वो भी तो भागीदारी है ना, हाँ पूरी पूरी भागीदारी काटना पड़े ना, आज हमारी अरावली निर्माण मजदूर सदस्य संघ की जो है एक दिन की बैठक थी और हमारे जो उदयपुर संभाग से जो जितने भी कलेक्टिव बने हुए हैं संगठन के जो पदाधिकारी हैं ब्लॉक लेवल के सभी यहाँ मौजूद है और आज हमने एक ऐतिहासिक फैसला किया है कि आज हमारा ऑफिस नहीं था कई समय से तो आज हमने ऑफिस की एक नई शुरुआत की है जिसपे हमारे सारे जितने ब्लॉक के अध्यक्ष है वो भी इस पर बैठेंगे, सचिव वगैरह हमारे सब जो भी कार्यकर्ता जो भी आएंगे अब दुखी नहीं होंगे, तो अपना खुद का जो है ऑफिस हो गया है। आगे की जानकारी के लिए हमारे और भी महामंत्री जी लगाकर सुरक्षित साहब से सब खड़े हुए आप ले सकते हैं। मेरा नाम गोपाल है, अरावली निर्माण मजदूर संघ से जुड़े हुए। हम आज उदयपुर संभाग स्तर पर हमने जिले ऑफिस की शुभारम्भ किया है, आने वाले समय में हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरीके के ऑफिसों का शुभारंभ करेंगे। इसी क्रम में राजसमंद है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ है, छोटी प्रतापगढ़ है, इन जिलों में भी हम मजदूर संघ कार्यालयों का शुभारंभ करेंगे। मेरा नाम एकलिंग विकवाल है, रावली निर्माण श्रमिक संगठन से बरवाड़ा का अध्यक्ष हूँ और इस नाते हमने आज नए वर्ष में यह पहल की है कि हमारे सारे विद्यालय जो हैं हमारे क्षेत्र में उन विद्यालयों में हमारे संगठन द्वारा गोद लेकर वहाँ के छात्राओं को जो श्रमिक हितों के फायदे हैं वो अधिक से अधिक दिलाकर हमारे श्रमिक संगठन को मजबूत बनाने का काम यह बेड़ा हम उठाना जा रहे हैं नए वर्ष में। वेरी गुड। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है, मैं भूतपूर्व अरावली निर्माण सदस्य संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ और हमारे एक सपना था कि हमें भी कोई बैठने की जगह मिले, हमें कोई शिकायत करने की जगह मिले, हमारा मजदूर भाई का कोई पैसा अटक जाए काम करते वक्त में, कोई दुर्घटना हो जाए तो हम उनको कहाँ जाएं, हमारा कौन पहल करे, हमारा कौन सहायता करे। तो हमारे ये अरावली निर्माण मजदूर संघ का जो ऑफिस खुला गया है तो सारे जो मजदूरों के जो समस्याओं के जो काम होंगे यहीं पर किए जाएंगे और नए पंजीकरण भी जाएंगे
कोई भी समस्याएं हमारे सारी मजदूरों के यही समय हल की जाएगी। मेरा नाम गौरीशंकर पारकी है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष झाड़ोन का ब्लॉक अध्यक्ष हूं और अरावली निर्माण संगठन का मतलब कि संगठन मंत्री भी हूं उदयपुर जिला संभागी से। और मेरा एक निवेदन है कि मतलब कि हम लोग ये बीड़ा उठा रहे हैं कि इस 2018 में नए वर्ष के साथ साथ में मतलब कि एक प्रत्येक ग्राम पंचायत में मतलब कि एक शिविर लगा करके श्रमिकों को मतलब कि अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन के लिए जोड़ेंगे। ये हमारा संकल्प है और हम मजदूर संगठन को बहुत ही अच्छे स्तर पर ले जाने की प्रयास कोशिश कर रहे हैं और यही हमारी मतलब कि एक कामना है। मेरा नाम भंवरलाल है, मैं अरावली यूनियन से सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यरत हूँ और संभागीय लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे भी हूँ। और मेरा सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे उदयपुर ज़िले में भी हमारा अरावली यूनियन का आज ऑफिस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, हमारे ऑफिस नियुक्त हुआ है ताकि हम लोग भी वहाँ से कोई भी चीज़ को लेकर के आएँ, कोई भी वातावरण को यहाँ लेकर के उदयपुर में हमारे पहले सबसे पहले दुनिया में बैठने की जगह चाहिए, वो बैठने की जगह हमें आज मिल गई है हमारे यूनियन की। तो हमें बड़ा बड़ा मतलब मैं हार्दिक दिल से सभी भाई गोविंद जी का, चाचा का और हमारे सभी जितने यूनियन के कार्यकर्ता हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने बैठने के लिए भी एक यूनियन का ऑफिस खोल दिया गया। मेरा नाम तगत सिंह राजपूत है, गोगंदा में मजदूर का संगठन अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ उसका मैं अध्यक्ष हूं। मेरे को ये खुशी है कि यह हमारा ऑफिस खुल गया और अच्छे हम काम कर रहे हैं और हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया इस अनुसार हम काम करते रहे। शांता भाई नाम है, सायरा संगठन में मैं जुड़ने लगी हूँ। मैं आए रात में हमारा पद आदेश में है और मैं गांव में कहूँगा मेरे कानून मांगेगा तो मैं साथ में रखूँगी ना लड़ाई जाऊँगा। मेरा नाम बैरूलाल मीणा है और मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से मजदूर अरावली मजदूर सुरक्षा संघ का सदस्य हूं और वहां का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं। और हमारे संघ के द्वारा जो उदयपुर संभाग लेवल का जो आज हमने कार्यालय का शुभारंभ किया है, जो यूनियन के समस्त पदाधिकारी एवं हम भी वहाँ डूंगरपुर के जो समस्त मजदूर है वहाँ के स्थानीय मजदूर की समस्या को और जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसमें अधिक से अधिक जोड़ने की हम संघ को मदद करेंगे। बोलो। हाँ, मैं सलूमर से अराली संघ के अध्यक्ष अभी गठित किया इसी महीने में अगले पखवाड़े में और इसी अरावली संघ का पहले कार्यकर्ता हूँ मैं और करूँगा। और आज यहाँ की बैठक नहीं हुई है इसमें मैंने भाग लिया, ऑफिस हमारा नया खुला, हमारे को पहले नहीं पता था। ये जो हमारी जो यूनियन है अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ, ये माइग्रेंट मजदूरों पे काम करती है और मजदूरों के हितार्थ और उनके हितार्थ मुद्दों पे काम करती है, जैसे कि सरकार के उनकी स्कीम की सामाजिक सुरक्षा दिलाने का काम हो या उनको कोई समस्या हो रही हो या उनके क्षेत्र में कोई समस्या है या उनके बच्चों बच्चे में कोई किसी प्रकार की योजना का अभाव है, उनको लाभ नहीं मिला, तो इस तरह का जो है यूनियन काम करती है। और अपनी भागीदारी हमारे देखा, हमारे लीडर जो है कितनी अच्छी जो भागीदारी वो निभा रहे हैं ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ, आप समय समय पर इस तरह से मुझे जो है सहयोग देते रहे, यूनियन को सहयोग देते रहे ताकि ये यूनियन दिन दुगनी और रात चौगनी करे और इसका एक वर्चस्व और अपना नाम स्थापित हो। धन्यवाद। आज हमारा जो है अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ का संभागीय स्तर उदयपुर का जो है संभागीय स्तर का जो है ऑफिस का उद्घाटन जो है श्रीमान हमारे यहाँ के लेबर इंस्पेक्टर इश्तियाकुल्ला खान जी एवं हमारे मजदूर नेता राजेश सिंह भी एवं हमारे आजीविका ब्यूरो के लेबर हेल्पलाइन के प्रोग्राम ऑफिसर संतोष जी पुनिया एवं हमारे यूनियन के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल जब्बार खान साहब एवं पूर्व महामंत्री एवं संरक्षक गोपाल जी यादव साहब आज ही द्वारा उनके हाथों से जो है आज हमारा ऑफिस का उद्घाटन किया। और हमारे कार्यक्रम के जो आखिर मुख्य अतिथि थे वो हमारे सरपंच साहब, ग्राम पंचायत नई के सरपंच साहब
देवीलाल जी कमेटी रहे, उनके सानिध्य में आज इस प्रोग्राम को किया गया। और हमारा ऑफिस नहीं था कई समय से, तो हम चाहते थे कि हमारे मजदूरों का एक ऑफिस हो। आज पहली बार हमारा ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। अभी वर्तमान में हम लोग ये किराए का ऑफिस लिया है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारी खुद की बिल्डिंग हो, हमारा खुद का ऑफिस हो, ऐसी अपेक्षा करते हैं। और हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने ये विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी हमारे संगठन का ऑफिस होगा, ये उन्होंने कर लिया। आगामी योजना में ये एजेंडा बनाया। धन्यवाद। मेरे का दूसरा अलग